नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। आओ एक बदलाव करें, देश कोना कोना साफ करे। आओ एक बदलाव करें, देश कोना कोना साफ करे। आओ एक बदलाव करें, देश कोना कोना साफ करे। सेक्टर 23 की संजय कॉलोनी स्थित एमपीपी स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए जागरूकता रैली निकाली। इसके लिए मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने स्कूल के आसपास मौजूद मार्केट की दुकानों में भ्रमण करते हुए उन्हें स्वच्छता के लिए जागरूक किया। इस स्वच्छता जागरूकता रैली को मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जितेंद्र परमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूल के निकट स्थित 22 फीट रोड पर मौजूद दुकानदारों को जागरूक किया। दुकानदारों की यूनियन के प्रधान रैली में मुख्य रूप से मौजूद रहे। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि लोगों को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, दुकानदारों को पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन के लिए पर्यावरण सुरक्षित रह सके। वहीं उन्होंने मार्केट के प्रधान से भी अपील की कि दुकानदारों से पॉली बैग इस्तेमाल न करने को कहें, जिस पर मार्केट के प्रधान ने बताया कि उनके अंडर 650 दुकान हैं। सभी दुकानदारों को उन्होंने डस्टबिन का इस्तेमाल करने के निर्देश दे रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉलिथीन का इस्तेमाल करने से मना किया है ताकि स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिल सके। वहीं इस स्वच्छता रैली में कैडेट्स के संग उन्होंने भी दुकानदारों से एक बार फिर स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने को कहा है। रैली में कैडेट्स की जोरदार हिस्सेदारी रही। स्वच्छता रैली स्कूल से मार्केट होते हुए वापस स्कूल प्रांगण में समाप्त हुई। इस मौके पर एनसीसी इंचार्ज हरीश और अरविंद मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखो ये तो जो सिविलियंस है हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट का भी रूल बना सकती है, लेकिन उसको फॉलो करना हमारी ड्यूटी बनती है। बेटर ऑप्शन ये है कि हम उस तरीके की प्रिकॉशंस लेकर चले कि हमें इस तरीके में जाना ना पड़े। हम खुद ही पैकेरी वगैरह लेकर चलते हैं, तो बाकी नीड ही नहीं है। जब नीड ही नहीं होगी तो अपने प्रोडक्ट अपने मार्केट से प्रमोट हो जाएंगे। बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास है और कुछ भी करने से पहले सर ने बताया कि ऐसा ही दुकानदार का प्रश्न सुन, लेकिन अगर हम अपने दुकानदार को समझाएंगे, दुकानदार को समझाएगा तो शायद ये स्वच्छता के लिए जो रैली निकाली जा रही है मॉडल सिटी स्कूल में, हमारे जो एनसीसी के बच्चे हैं उनको हमने बताया है कि जो सफाई है वो कितनी ज़रूरी है, क्लीनिंगनेस कितनी इम्पोर्टेंट है। ये हम आज इधर की साइड की पूरी मार्केट कवर करेंगे और कल का हमारा उद्देश्य है कि इधर साइड की पूरी मार्केट हम कवर करेंगे। हमारा पर्पज़ है कि बच्चों को ये पता लगे, हमारे पास जो शॉप के हमारे जो शॉपकीपर भाई हैं उनको ये पता लगे कि जो हम पॉलिथीन यूज़ कर रहे हैं या और ऐसे आइटम हैं जिससे कि गंदगी फैलती है, ताकि वो गंदगी ना फैले। और हम लोग अगर हम लोग खुद सफाई पर ध्यान देंगे तो पूरा देश अपने आप ही साफ हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम दुकानदारों से रिक्वेस्ट करेंगे, अभी एक एक दुकानदार के पास हम जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर पॉलिथीन कोई भी घर से जो लोग हैं उनको बताएं, जो उनके पास सामान लेने आ रहे हैं किसी भी तरह का सामान परचेज कर रहे हैं उनके वो बताएं कि पॉलिथीन किस तरह से नुकसान करती है और उनको वो पॉलिथीन ना दें। हम चाहेंगे कि घर से चाहे वो कपड़े का बैग बना के लाएँ या नॉर्मली जो हमारे पास आजकल हाइजीनिक सिस्टम से जो बैग बनाए जाते हैं वो उस तरह के बैग बनाएं और उसका ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पॉलिथीन ऐसा आइटम है जो ना गलने वाला है, तो हमें वो कोशिश करें कि उस चीज़ को अवॉइड करें। पब्लिक में भी सर कैसे प्रचार करना चाहेंगे पॉलिथीन का यूज ना करें? अभी हमारा मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों के माध्यम से जो हमारे स्काउटिंग के बच्चे हैं एनसीसी के जो हमारे बच्चे हैं वो जनरली अपने घरों में इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। ऑलरेडी बच्चों को हमने इस बारे में बताया भी है कि क्लीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, बता दी वो पॉलिथीन वगैरह का इस्तेमाल घरों पे भी ना करें। पॉली बैग नहीं, हम लोग पॉली बैग तो यूज़ ही नहीं करते हैं,
इसके लिए आजकल तो किसी को कहो वो लड़ने मारने को आए, यही है कि हर एक आदमी को अपनी खुद को ही इस चीज़ को सोचना चाहिए। आप यही कोई कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई गंद फेंक रहा है, उसको अगर आप मना करोगे वो तो आपको मरने मारने के लिए आ जाएगा। तो ये तो हर एक आदमी आगे लगा रहे खुद सोचना चाहिए, सफाई रखेंगे वो सफाई से बीमारी हमारी बीमारी सब कुछ बताया। हमारे तो दस्त नहीं है, तो जब मैंने अपने आप को सुधारा है, जब भी मैंने दुकानदारों से अपनी ड्यूटी पर आपको डस्टबिन रखने हैं, एवन ग्रीन की गाड़ी मैंने आपके लिए लगवा दी हुई है, उसमें अपना कचरा डाले, हमें इस देश को बिल्कुल स्वच्छ बनाना। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।